हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर चल रहा है आपका पार्ट टू का चैप्टर नंबर वन। काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था आपको, एक्चुअली लेक्चर में मैंने ये बोला था कि इसका जो बैकग्राउंड या फ्लैशबैक है जो आपने 10th तक के पढ़ा है उसके बारे में मैंने काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन वहाँ पे किया था। ये मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे चालू कर रहा है, दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके पहले का जो फ्लैशबैक पार्ट था, जो आपने 10th तक के इससे रिलेटेड जो पार्ट पढ़ा उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। एक्चुअल में मैं जो एक्चुअल लेक्चर है वो मैं अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि उस दिन नेटवर्क के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे थे और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैं इसका एक न्यू वीडियो बना के अपलोड कर रहा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया था कि जो वीडियो हो चुका है सर, या जो लेक्चर सर हो चुका है वो आप हमें अपलोड कीजिए। सो इसलिए मैं एक नया वीडियो बना रहा, तो इसमें मैं एक मोटी मोटी बात जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। सो आप सुनिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट पार्ट जो है वो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। सो जैसा कि आप सबको पता है कि जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर रहते हैं। पहला नंबर रहता रियल नंबर, जो हमने अभी तक के 10 तक के पढ़े हैं। अभी भी हमें यही नंबर्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि 10 तक के पढ़ा तो हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी हमें रियल नंबर ही पढ़ने हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अभी हमें इमेजिनरी नंबर भी पढ़ने हैं। सो इमेजिनरी, जैसा कि इसका नाम ही करता है कि इमेजिनरी आर द काल्पनिक नंबर्स, है ना, दैट आर नॉट रियल नंबर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, रियलिटी में मैं सुपरमैन के जैसा नहीं उड़ सकता, तो मैं क्या करता, मैं सपनों की दुनिया में जाके सुपरमैन बन जाता, ओके। यानी मैं इमेजिनेशन तो कर सकता, सो दैट इज़ कॉल्ड एज माई इमेजिनेशन। और ऐसे ही इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जो नंबर रियलिटी में प्रेजेंट नहीं कर सकते उस नंबर को हम इमेजिनेशन में खुश रहे। तो एक्चुअल में यही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टार्टिंग है, ये इमेजिनरी नंबर से ही स्टार्ट होता है। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, सपनों की दुनिया, नंबर की सपनों की दुनिया, ठीक है। कि जो नंबर्स हम रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते या जिसे हम लिख ही नहीं सकते, उसे हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते, और इमेजिनेशन के द्वारा ही हम उसे इमेजिन करने की कोशिश करते और यूज भी करते, ठीक है। मान लीजिए कि एक 10वीं का बच्चा, जो कि अभी अभी आप 10th पास तो हुए हो ऐसा मैं बोल देता हूँ, लेकिन रिजल्ट अभी लगना है, लेकिन मैं प्रे करता है कि सारे बच्चे पास हो जाए। फिर भी मान लीजिए कि आप 10th का कोई बच्चा, और उसे मैंने अगर एक क्वेश्चन पूछा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स, एक्स के लिए आप ये फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहला मैंने उसको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और सेकंड मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब वो बच्चा क्या करेगा, जो मैं कर रहा हूँ शायद वही वो बच्चा करेगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 उधर लेके जाएगा, फिर बोलेगा इधर स्क्वायर रूट, सो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 4, और रूट ऑफ 4 की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2, सो इज द आंसर ऑफ एक्स, और वो बोलेगा बच्चा यस इट इज सॉल्व, ओके। अब सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते, ये 4 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो इट विल बी टर्न इनटू नेगेटिव 4, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्क्वायर रूट, सही, यहाँ पे मैं लेता हूँ स्क्वायर रूट, सो यहाँ पे बनेगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 4। तो तकरीबन सारे बच्चों का, और शायद आपका भी जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसका भी यही इस पर आंसर होगा, या यही इस पर पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि सर स्टॉप, है ना, इसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत भी मत करना इसके आगे बढ़ने की, बराबर। फिल्मों में थोड़ा सा डायलॉग वायलॉग मारते हैं ना, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर माइनस साइन आ गया, इसका मतलब ये जो एग्जांपल है या ये जो क्वेश्चन है ये अनसॉल्वड है, आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी आप कर लो, आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। यस इट इज़ ट्रू दैट अंडर रूट के अंदर माइनस 4 हमें चलने वाला नहीं है, हमें अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव साइन चलता है, पॉजिटिव 4 चलता है, लेकिन नेगेटिव साइन हमें चलने वाला नहीं है। सो ऐसे एग्जांपल्स कभी भी सॉल्व नहीं होंगे, हम इसे अनसॉल्वड एग्जांपल्स बोलेंगे। अब रह गया सवाल कि सर चलता क्यों नहीं है, क्यों रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं चलता, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता, हैशटैग फ्लैशबैक, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख के देता, ठीक है, कि इसके अंदर क्यों माइनस साइन नहीं चलता। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट, कि अगर मैं अंडर रूट ऑफ 4 लिखता हूँ, तो इसका आंसर बताने के लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये जो 4 है, ये 4 किस संख्या का स्क्वायर है, यानी मुझे ये सोचना पड़ेगा कि 4 किसका स्क्वायर है। तो ये कोई भी बच्चा, कोई भी एक साधारण प्राणी, जो शायद जिसको स्क्वायर पता है, वो कोई भी साधारण सा बच्चा जिसे मैथ्स भी बहुत अच्छे से नहीं आता, वो भी बता देगा सर 4 जो है ना, वो एक तो पॉजिटिव 2 का स्क्वायर है और नेगेटिव 2 का भी स्क्वायर है, और ये चीज़ तो हमें पता है कि स्क्वायर क्या रहते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, स्क्वायर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सारे के सारे जो स्क्वायर्स है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव स्क्वायर तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता,
ठीक है, तो नेगेटिव दो का स्क्वायर भी प्लस चार होता है, पॉजिटिव दो का स्क्वायर भी प्लस ही चार होता है। तो रूट का मतलब हम खुद को ये सवाल पूछते हैं कि रूट के अंदर जो संख्या है वह संख्या या वह संख्या किस नंबर का स्क्वायर है, उस नंबर को हम यहाँ पे लिखते, मतलब रूट ऑफ फोर की हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। लेकिन एज सुन एज अगर मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा कि भाई बोलो कि रूट ऑफ माइनस फोर है ना, यानी माइनस फोर का जो रूट है वो क्या है, तो आप यहाँ पे मुझे फिर से वही क्वेश्चन सोचना पड़ेगा कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी गई है वह संख्या किसका स्क्वायर है। सोचो सोचो, अब दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता, माइनस चार आता, नेगेटिव आता, भाई ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। अगर ऐसा रहा तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, है ना। ठीक है, सो रूट ऑफ माइनस चार कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, इसलिए इसका कोई आंसर अपने पास में नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई आंसर मेरे पास में नहीं है, ठीक है, नो आंसर। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बोली हुई है कि नंबर सिस्टम में दो प्रकार के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक वह चीज है जो रियलिटी है, जो मैं देख सकता है ना, मैंने बोला ना अपने जिंदगी में भी दो टाइप की चीजें रहती है, एक रियलिटी रहती है और दूसरी फैंटेसी रहती है, इमेजिनेशन रहती है। सो रियलिटी में वो सारी चीजें आती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती, और इमेजिनेशन में वो सारी चीजें आती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी अगर मैं बोलूं कि रियल नंबर क्या है या रियल वर्ल्ड क्या है, तो आप बोलोगे सर ये, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि भाई ये तो रियल हो गया, तो फिर ये चीज जिसका आंसर यहाँ पे मैं रियलिटी में नहीं निकाल सकता, उसे मैं मेरी सपनों की दुनिया में निकालता। जैसा मैंने आपने बोला ना, मैंने आपको बोला कि जैसा मैं सुपरमैन के जैसे फ्लाई तो नहीं कर सकता, शक्तिमान के जैसे गोल गोल तो नहीं घूम सकता, लेकिन मैं इमेजिनेशन में जरूर इस समस्या को सॉल्व कर लूंगा कि मैं गोल गोल भी घूम जाऊंगा, सुपरमैन के जैसा उड़ भी जाऊंगा, बराबर है ना। तो हर वो चीज़ हम इमेजिनेशन में कर सकते जो हम रियलिटी में नहीं कर सकते। देयरफॉर जो रियलिटी में जो प्रॉब्लम्स अनसॉल्व है हमारी जिंदगी के, वही प्रॉब्लम्स हम इमेजिनेशन में भी क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कि मैथ्स हमें कितना अच्छा पढ़ाता है ना, मैथ्स हमें जीवन जीने का कला भी पढ़ा देता है, ठीक है। तो जो जिंदगी में चीज़ें अनसॉल्व है, वही चीज़ें हम इमेजिनेशन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और दैट इज द हम कहेंगे कि बर्थ प्लेस ऑफ इमेजिनरी नंबर। ओके, ये जो है ना अनसॉल्व ऑफ दिस एग्जाम्पल, ये जो मैंने लिखा है ना इस एग्जाम्पल में कि ये अनसॉल्व है, यही बर्थ प्लेस है अपने इमेजिनरी नंबर की। तो देखो इमेजिनरी नंबर क्या चीज है, स्टार इमेजिनरी नंबर। सुनो अब कि इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैंने जो यहाँ पे आंसर लिखा वो है कि भाई इसका आंसर तो अनसॉल्व है। ओके ठीक है, भाई इसका आंसर अनसॉल्व है, तो आगे क्या, आगे ये है कि अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे किसी भी हाल में इसका आंसर निकाल के बोलो, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। अभी तक की तो ये आंसर अनसॉल्व है, तो सेम क्वेश्चन जो है कि भाई मुझे इसका आंसर किसी भी तौर पे चाहिए, है ना, एकदम एकदम जैसा हम बोलते हैं ना, एकदम जुनूनी तौर पर इसका आंसर चाहिए, तो ऐसा सवाल ऑयलर नाम के व्यक्ति के दिमाग में भी आया था। मैं इसे मिस प्रोनाउंस नहीं कर रहा, एक्चुअल में इसका नाम ऑयलर ही है, ले क्योंकि ये जर्मन बंदा है और इसका जो स्पेलिंग है वो इंग्लिश में कुछ ऐसा आता है, ठीक है, तो हम इसे यूलर पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके नाम का प्रोनाउंसिएशन ऑयलर है। एक्चुअल में इसने अपने डेथ विल में भी ये चीज लिखी हुई है कि इंग्लिश लोग मेरा नाम जो है वो गलत पुकारते हैं, तो चलो एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं, इसे हम ऑयलर पढ़ते हैं। एक्चुअल में इसके यू के ऊपर दो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, डॉट्स हैं, ओके, तो इसे ऑयलर पढ़ा जाता है। तो ऐसा सवाल ऑयलर के दिमाग में भी आया था, और इसने इसके दिमाग में ये सवाल आने से पहले तक के सारे मैथमेटिशियंस ने इसका जो जवाब था वो अनसॉल्व दिया था कि भाई ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त तक के सारे मैथमेटिशियंस के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करता था, रियल नंबर, और किसी ने इमेजिनेशन के बारे में सोचा ही नहीं था, ठीक है, किसी ने इमेजिनेशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अगर मैं आज से 10 साल पहले वाले बंदे को टाइम मशीन में बैठ के जाऊँ और उसे बोलूँ कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं एक छोटे से एकदम मेरे मोबाइल फ़ोन से मैं शूट कर सकता, जिसमें टॉर्च भी है, आवाज़ भी आ सकती, तो शायद 10 साल या 12 साल पहले वाले लोगों को अगर मैं ये बात बताऊंगा तो उन्हें लगेंगे यार ये इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े कैमरे लगते हैं, ठीक है ना। तो 10 साल में ही देखो आप कितना बदल गया। तो उस वक्त भी शायद किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि इमेजिनरी नंबर भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन इस बंदे ने सोच लिया, और डेफिनेटली आप इसको गालियाँ भी दे सकते कि इसकी सोच के वजह से आपका एक चैप्टर भी पड़ गया, ठीक है। अब इसने क्या सोचा,
या सोचना तो छोड़ दो, इसने क्या किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये जो टैग है ना इसके नंबर्स पे लगाया हुआ अनसॉल्व का जो टैग है ना, ये टैग हटाने के लिए इसने क्या किया। तो वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे करके बताता जो ऑयलर ने की थी आज से पता नहीं 300 400 या 100 200 साल पहले, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कब इसने किया था ये, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर लिया, ध्यान दीजिए। ऑयलर ने क्या किया, ये जो अंडर रूट के अंदर 4 है ना, उसने इस 4 को क्या किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखा, और ये जो माइनस साइन था ये माइनस साइन इसने दे दिया माइनस 1 को। बाद में उसने क्या किया, इस अंडर रूट को कर दिया सेपरेट, ठीक है। अब क्योंकि हमें तो पता है कि अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू आती प्लस माइनस 2, चलो आप 2 भी लिख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन ये अंडर रूट ऑफ माइनस 1 प्रॉब्लम तो वही का वही है, अरे बराबर है कि नहीं। इस हाथ में अगर मैंने बंद घड़ी पहनी है तो ये बंद घड़ी मैं क्या करता, यहाँ से निकालता और इस हाथ में पहन लेता, तो क्या घड़ी शुरू हो जाएंगी, नहीं ना, ऐसा कोई इंसान कर ही नहीं सकता। अगर इस हाथ की बंद घड़ी इस हाथ से पहनने से शुरू नहीं हो सकती, उसी हिसाब से इसका प्रॉब्लम इसको देने से कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बरा रहेगी नहीं। तो ये तो ये सवाल तो सबके दिमाग में आया होगा, लेकिन रुको रुको भाई, ऑयलर ने इसको जब सॉल्व किया है तो उसने और एक कांड यहाँ पे कर दिया। उसने क्या कांड किया, ये जो अंडर रूट ऑफ माइनस वन है जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम की जड़ है, रूट के अंदर का माइनस साइन, इसने उसको रिप्लेस कर दिया लेटर आई से, ठीक है। अब ये क्या बन गया, आई मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू आई। अब दूसरी चीज सुनो, ये जो आई है यहाँ पे इंग्लिश लेटर आई, ये एक्चुअल में हम शक्ल है ग्रीक लेटर आयोटा का, ठीक है ना, ये एक्चुअल में ग्रीक लेटर है आयोटा, ठीक है। तो हम आज के बाद इसे आयोटा ही बोलेंगे, दिस इज नॉट आई, दिस इज आयोटा। हालांकि ये ए बी सी डी एफ जी एच आई वाला ही आई है, ये कोई अलग नहीं है, ये वैसा ही है, आप जैसा लिखते हैं वैसा ही आई लिखे, चाहे ऐसा लिखो, अब मुझे ऐसा लिखने की आदत है तो मैं ऐसा लिख रहा, कैसा भी लिखो, लेकिन ये स्मॉल आई ही आपको लिखना है, लेकिन ये आई नहीं है, दिस इज आयोटा, ओके। और आयोटा का अगर आप मीनिंग ढूंढने जाओ, वैसे तो ये है ये लेटर, लेकिन आयोटा का इंग्लिश में एक मीनिंग भी है, ये कि एक वर्ड भी आजकल एक मॉडर्न इंग्लिश में बन चुका है, जिसका मतलब होता है सॉरी एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज, ये आयोटा का एक मॉडर्न इंग्लिश में मतलब भी बन चुका है, लेकिन है ये लेटर। जैसे ए का कोई मतलब नहीं है, वैसे आयोटा का भी ग्रीक वैल्यू इसमें कोई मतलब नहीं है, जस्ट इसने क्या किया है, इसे वेरिएबल के तरह यूज किया रूट ऑफ माइनस 1 को इंडिकेट करने के लिए। अब ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता क्या क्या हम कर सकते इस आयोटा से, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते। देखो, जैसा अगर आपके पास में हो माइनस 9, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस वन इंटू नाइन, तो आगे हम लिखेंगे माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 9, सो ये बन गया आपका आयोटा मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आया आपके पास में माइनस 2, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 2, मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 बराबर अंडर रूट ऑफ माइनस 1 मतलब आयोटा रूट 2। अगर आपके पास में है रूट ऑफ 4, तो यहाँ पे तो नेगेटिव के अंदर, रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो यहाँ पे आयोटा लगाने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस लिखना मैं भूल गया, प्लस माइनस 2 दे दीजिए, ठीक है। नंबर 5, अंडर रूट ऑफ माइनस 5 अगर है तो क्या लिखेंगे आप, ठीक है, प्लस माइनस, ये जो माइनस है अंडर रूट में, तो डायरेक्ट आप रूट ऑफ 5 यानी 5 का रूट निकाल के आयोटा दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में है 6 नंबर अंडर रूट ऑफ माइनस 16, तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर माइनस साइन, तो 16 का रूट निकालो और साथ में उसके आयोटा दे दो, इज इट ओके। सो ये सारी चीज में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ी है कि जो आयोटा है उसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ माइनस 1। और ये क्या है, ये कहीं से गए हम पेड़ तोड़ के लाया, ऐसा कुछ नहीं है कि चलो भाई चले जाओ और मस्त भाई के एक आधा एप्पल या संतरा तोड़ के लाओ, ऐसा नहीं है, इतना इजी काम नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट इमेजिनेशन है, बोला हुआ है कि भाई चलो ना, ये सॉल्व नहीं हो रहा ना, लेकिन मुझे ये अनसॉल्व का टैग यहाँ से हटाना, ये टैग मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये टैग नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इसका कुछ ना कुछ आंसर सही चाहिए। सो इसलिए उसने आयोटा को रूट ऑफ माइनस 1 को आयोटा से रिप्लेस कर दिया, ओके, बस हो गया। अब ये चीज़ जो है, ये तो उसने इमेजिनरी चीज़ है उसकी, इसने बस ऐसा सोचा है इमेजिनेशन में, ऐसा कोई रियलिटी में नहीं होता, क्योंकि वैसे भी जैसा मैंने आपको बोला कि जैसे एक हाथ की बंद घड़ी दूसरे हाथ में पहनने से चालू नहीं हो जाती, मतलब इसका प्रॉब्लम इसको, इसका प्रॉब्लम इसको देने से कोई है ना एग्जाम्पल कोई सॉल्व नहीं हो जाता। एक्चुअल में घड़ी तो नहीं चालू हुई, लेकिन ऑयलर ने जो चालू पना किया इसके वजह से ये जो एग्जाम्पल है, कम से कम इसका ये अनसॉल्व वाला टैग जो है ये हट गया, बस
इतना ही इसका इतिहास है। वैसे इसका बहुत अभी फिलहाल में जो मॉडर्न ट्रेंड्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम आगे बोल दूंगा मैं आपको। सो ये हो गया आपका आयोडा, ठीक है। फिलहाल तो हम इस पे रहते हैं, इसका मॉडर्निटी में क्या यूज़ है ये मैं आपको बाद में बोल दूंगा। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इसका अभी क्या यूज़ है, ये हम पढ़ तो रहे लेकिन इनके यूज़ क्या है, तो डरो मत भाई, सब चीज़ का यूज़ होता है, इसका भी यूज़ है लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मत बोलो, गरम गरम नहीं खाना चाहिए ना। सो ये आयोटा मेरा बन गया। अब चलो आगे क्या है वो चीज़ थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं नोट लिख रहा, नोट आप देख लो क्या है, क्या चीज़ है। देखो ये जो है तुम्हारा आयोटा जिसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ माइनस वन, इसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी आइडेंटिटी, ठीक है। सो आइडेंटिटी क्या है, तो एनीथिंग विच रिलेट्स विथ वन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। एनीथिंग विच रिलेट्स विथ वन, जो भी एक नंबर से संबंधित रखता है उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। वाई एक नंबर, बिकॉज रूट ऑफ माइनस वन है। अच्छा अब कोई बच्चे बोलेंगे सर ये तो बुरी बात है, उसने माइनस टू को आयोटा क्यों नहीं बोला, माइनस फोर को आयोटा क्यों नहीं बोला, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो है वो काफ़ी सिंपल है कि वन जो है वो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है ना। वन जो है वो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर है, और किसी वन को मल्टीप्लाई करके हम किसी भी नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर समझो मेरे को चार प्राप्त करना है तो मैं वन को चार से मल्टीप्लाई करके चार प्राप्त कर दूंगा, है ना। यानी वन ऐसा इमेजिनरी या ऐसा नेचुरल नंबर है, अगर इसको मल्टीप्लाई में किसी नेचुरल नंबर से करता हूँ तो मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा। लेकिन टू ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जी मुझे थ्री मिल जाए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 3/2 से यानी किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, दैट्स वाई उसने ऐसा बेसिक नंबर को चूज किया जिसका मल्टीप्लीकेशन विद एनी नेचुरल नंबर विल गिव इटसेल्फ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये किसका एक उपयोग है, सो इट इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी नंबर, दैट इज इमेजिनरी आइडेंटिटी। समझ में आ रहा आपको, ओके। तो अभी इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं पढ़ाया था, मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा लाइव लेक्चर सेशन में, ठीक है। लेकिन ये खास आपके लिए है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है भाई। हमने तो नंबर सिस्टम में चलो दो बातें पढ़ लिया, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। सो देखो सुनो और जाँचो, ठीक है, और फिर इस्तेमाल करो, नहीं विश्वास करो। क्या विश्वास करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, पहले हमें विश्वास करना है। पहले तो हमें ये विश्वास होना कि इमेजिनरी नंबर जो है एग्जिस्ट करते, भले वो इमेजिनरी हो, ये तो हमें विश्वास है। अब एक विश्वास हमें पहले से कि रियल नंबर चलो 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे है ही है, ये तो कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं सीधा सीधा मीनिंग ढूंढने की कोशिश करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मराठी में मिश्र या मिक्सचर, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिक्सचर या मिश्र नंबर, है ना। यानी तो अब मिश्रण कैसा हो गया, शक्कर में शक्कर डाल दी तो कोई मिश्रण नहीं होता, वो शक्कर ही रहेंगी। गेहूं में गेहूं डाल दिया तो वो कोई गेहूं नहीं, वो कुछ अलग नहीं चीज़ होता, वो कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई मिक्सचर नहीं हो जाता या मिश्रण नहीं हो जाता, वो गेहूं ही रहेगा। लेकिन अगर शक्कर में गेहूं डाल दिया जाए तो अब वो मिक्सचर हो जाएगा। दाल में चावल डाल दिया जाए तो खिचड़ी बन जाएगी, मिक्सचर बन जाएगा। दाल में दाल डाल दी जाए तो वो कोई मिक्सचर नहीं है, वो फिर भी दाल ही रहेगी, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें मिश्रण करना है, तो मिश्रण क्या करता है, तो जो दो भिन्न भिन्न नंबर्स को मैंने क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है। दो अलग अलग नंबर्स को अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया सो दैट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से दो अलग अलग नंबर, तो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की काफ़ी डेफिनेशंस है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ रियल प्लस इमेजिनरी करना है, ठीक है। सो अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर तो मैंने आपको बोल दिया, इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे लेटर स्मॉल जेड से इंडिकेट किया जाता है। आप कैसा भी जेड निकालो, मुझे ऐसा जेड निकालने की आदत है तो मैं ऐसा निकाल रहा, आप छोटा जेड जो आप निकालते वो ऐसा निकालो, कुछ बच्चे ऐसा भी निकालते, मुझे निकालते नहीं आता, आप देख लो, मैं जेड ये निकालता, सो आई एम राइटिंग दिस स्मॉल जेड। रियल नंबर है तुम्हारा ए, और इमेजिनरी नंबर मतलब एनी नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। सो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा ऑफ बी का जो फॉर्मेट है, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे ये जो ए कॉमा बी है, दिस आर बिलोंग्स टू स्ट्रिक्टली
एंड रियल नंबर्स, ओके। तो ये रियल नंबर से ही आएंगे डेफिनेटली। आयोटा तो रूट ऑफ माइनस वन है, तो उसको मैंने आयोटा बोल दिया, तो ये भी एक बात आप ध्यान में रखो। इज दैट ओके, समझ में आ रहा ना आपको? सो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या हो रहा है, जो नंबर ए प्लस आयोटा की बी के फॉर्म में लिखते आता ऐसे नंबर। कुछ एग्जाम्पल्स आप बोल सकते, आप खुद बोलो मुझे एग्जाम्पल। चलो मैं लिखता 2 प्लस 3 आयोटा, एक एग्जाम्पल हम बोल सकते माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, एक एग्जाम्पल हम लिख सकते माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, एक एग्जाम्पल और लिख सकते 2 बाई 3 प्लस 0 आयोटा, ठीक है 0 आयोटा। भाई लिख तो दिया ना, ए प्लस आई बी का फॉर्म तो हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल वे में ये है कि ए और बी दोनों में से कोई एक क्वांटिटी जीरो हो सकती है, ए और बी दोनों में से कोई एक क्वांटिटी जीरो हो सकती है। तो समझ लीजिए कि कुछ मैं यहाँ पे आपको फिर से नोट लिख के दूंगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसलिए मुझे इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा। अगर मैं सीधा सीधा इसको बोल दूँ तो आधे लोग तो बेचारे कन्फ्यूजन के मारे बेहोश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने को होना, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करके बोल रहा, ठीक है। इसलिए आपको बहुत सारे नोट्स यहाँ पे देख रहे होंगे। सो ये जो टॉपिक है काफ़ी थ्योरेटिकल है, तो बोर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये समझना भी चाहिए, तो दिमाग में जाके पूरी खिचड़ी बन जाएगी, ऐसा अपने को नहीं होना। सो नोट नंबर वन क्या चीज़ है, मान लीजिए कि हमने a इक्वल टू जीरो लिया, किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी आयोटा बी। अब a का मीनिंग है जीरो प्लस आयोटा बी, सो आंसर आ गया मेरा सिर्फ और सिर्फ आयोटा बी, मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर है ना। देखो देखो देखो, ये जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट है आपका रियल पार्ट, और ये जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। दो पार्ट रहते हैं आपके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी पार्ट, ओके। इमेजिनरी पार्ट मतलब मैं आयोटा इनटू बी को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोल रहा, मैं आयोटा के साथ ही को इमेजिनरी पार्ट बोल रहा, यानी मैं सिर्फ बी को इमेजिनरी पार्ट बोल रहा, और इसको ए को मैं बोल रहा रियल पार्ट, ये मैं आपको बताऊंगा। सो ऐसा नंबर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचा है, सो इसे बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। नंबर टू देखो, अगर b इक्वल्स टू जीरो हो गया, सो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में, b के जगह पे जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो, मतलब ये हो गया a। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट पाया जाता है, उसे हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। अच्छा, ये पार्ट आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसका आगे काम है, ठीक है। तो ये मैं बात आपको आगे पूछूंगा। थर्ड नंबर है कि अगर दोनों के दोनों जीरो हो गए, तो ए इक्वल्स टू जीरो हो गया, बी इक्वल्स टू जीरो हो गया, ऐसा अगर हो गया तो ये बन जाएगा जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, मतलब जीरो। तो इसे बोला जाएगा डेफिनेटली जीरो, ठीक है। तो इसे कुछ और हम नहीं बोलेंगे, इसे हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, या सीधा सीधा जीरो। तो यहाँ तक के मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है, यहाँ तक के तो सारी बातें क्लियर है। सेकेंडरी और फोर्थ नंबर की बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि z इज इक्वल टू, जो कि मैंने आपको पहले बोला हुआ भी है कि z का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, रियल प्लस इमेजिनरी, है ना। रियल प्लस इमेजिनरी मतलब z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या कन्फ्यूज होते, देखो ये जो a है, दिस a इज कॉल्ड एज अ रियल पार्ट और दिस b इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी पार्ट, नॉट आयोटा बी, ओके। दिस b, ओनली दिस b इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी पार्ट, इसी हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है। और इसे इंडिकेट कैसे कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ z, हाँ ठीक है ना, ये ध्यान में रखो, कैपिटल R E ऑफ z इज इक्वल टू a, इमेजिनरी I M, ठीक है, कैपिटल I M स्मॉल m पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b। और ये देखिए, ये बदलने का आपको अधिकार नहीं है, ये जो सिंबॉलिज्म है ये आपको एक्चुअली एज इट इज ही लिखना पड़ता, आप अगर इसको चेंज करोगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, हाँ। और तीसरी चीज़ हमें और एक ध्यान में रखनी है कि ये एक्चुअली एक्स्ट्रा चीज़ है, तो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको बोल देता एक चीज़, शायद ये बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि हमेशा रियल पार्ट को हम रियल पार्ट से अगर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की बात आई, इन एडिशन, अच्छा चलो ठीक है आगे मैं बोल देता आपको, एक एग्जांपल ही ले लेता ना सीधा सीधा। मान लीजिए कि आपके पास में है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, z1 इज इक्वल टू और z2 इज इक्वल टू है 6 प्लस 9 आयोटा। तो आप, मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि z1 प्लस z2 निकालो, तो आप क्या करोगे, z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा
प्लस जेड टू की वैल्यू 6 प्लस 9 आयोटा, और इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हम पहले ब्रैकेट ओपन कर देते 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 प्लस 9 आयोटा, और हम क्या करेंगे देखो आई वाले के नीचे हम पहले अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, मतलब जो रियल पार्ट इज एडेड टू रियल पार्ट, 6 प्लस 2 इज 8 एंड इमेजिनरी पार्ट इज एडेड टू इमेजिनरी पार्ट, सो 9 प्लस 3 माने 11 आयोटा, रियल पार्ट इज एडेड टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज एडेड टू इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो ये बात आप ध्यान में रखना है कि इमेजिनरी पार्ट रियल के साथ में कभी ऐड नहीं करेगा, इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस रियल, वैसे ही माइनस का भी है, इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी, रियल माइनस रियल। मल्टीप्लिकेशन तो हम जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली वैसे, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ये भी आप एक चीज़ ध्यान में रखना। डिवीजन के लिए हमें रैशनलाइजेशन यूज़ करना पड़ता है, लेकिन प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, एक्चुअली डायरेक्ट कैलकुलेशन इज पॉसिबल, बट इन डिवीजन वी नीड टू परफॉर्म क्या, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया आपका, ओके। अब देखिए ये पूरा मैंने इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे बोल दिया, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेफिनेटली, और इसके जो आगे का पार्ट है मैं कोशिश करूँगा कि कल वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि बहुत व्यस्त रहता हूँ, ठीक है, बाकी बैचेस वगैरह भी रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक वीडियो बना के सब्स्टिट्यूट करने की। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए बेझिझक, चाहे तो फ़ोन करके पूछ लीजिए, ठीक है, और चलो ठीक है, बाय बाय।